कोकोनट को सबसे पहले आपको चेक करना है उसके अंदर पानी है या नहीं, और अगर पानी बच रहा है तो चलिए आगे का प्रोसेस हम करते हैं। नारियल को या फिर कोकोनट को ग्रो करने का बहुत ही यूनिक तरीका होता है दोस्तों, उसको कुछ दिनों के लिए पानी के अंदर डुबो के रखना पड़ता है, कुछ इस तरीके से। अब नारियल पूरा पानी में डूब जाना चाहिए, इसलिए आप कोई भी आइटम का यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पर एक स्मॉल ब्रिक का यूज़ करा है जिससे हमारा नारियल पानी में डूबा रहे और अच्छे से वाटर एब्जॉर्ब कर ले। दो दिन के बाद हमारा नारियल इतना पानी एब्जॉर्ब कर लेता है कि उसको इनफ मॉइस्चर मिल जाता है ग्रो होने के लिए। तो चलिए दोस्तों, हमारे नारियल को वाटर से अलग करते हुए एक पॉली बैग में लगा देते हैं। अब आप एक फ्रेश पॉलीथीन लीजिए। फ्रेश पॉलीथीन का मतलब ये है कि उसमें एक भी होल नहीं होना चाहिए, और अपने नारियल को उसके अंदर स्लाइड करिए एकदम बेस पर ले जाकर। अब यहाँ पर आपको एयर टाइट बनाना है और एक रबड़ लगा के आपको सील करना है उसको। अब यहाँ पर दोस्तों, सील करने से पहले आपको उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना होगा जिससे मॉइस्चर की कमी ना रहे और हमारा नारियल इजीली ग्रो हो सके। तो यहाँ पर आपको पानी कितना डालना है, नियरली 100 से 200 ग्राम, मतलब थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं डालना है। इतना सा पानी दोस्तों इनफ होगा हमारे कोकोनट को ग्रो करने के लिए। अब यहाँ पर हमारी पॉलीथीन को हम एयर टाइट करके रबर बैंड से बांध देंगे। कोकोनट को ग्रो करने के लिए एक डार्क लोकेशन हम सेलेक्ट करेंगे, और वो किसी गमले के पीछे आप रख सकते हैं, और डायरेक्ट सनलाइट इसके ऊपर नहीं आनी चाहिए। और एक तरीका होता है नारियल को रखने का, एक छोटा सा पॉट लीजिए और उसमें आप अपने कोकोनट को ऐसे खड़ा कर दीजिए और बस वेट करिए इनके अंदर ग्रोथ आने का। नियरली 30 डेज के बाद आप अपने कोकोनट को चेक कर सकते हैं, और बीच में भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा कोकोनट थोड़ा सा फूल जाएगा क्योंकि उसके अंदर से एक जड़ निकलती है, और जड़ जो 3 पॉइंट होते हैं हमारे कोकोनट के, वहाँ से निकलती है। चलिए चेक करते हैं पॉलीथीन को रिमूव करके। फाइनली हमारा कोकोनट बाहर आ चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर एक छोटी सी जड़ नज़र आ रही है और वो वाइट कलर की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत एक्सपीरियंस था दोस्तों कोकोनट ग्रो करने का। आप भी डेफिनेटली ट्राई करना। आप मार्केट में जाना, एक कोकोनट लेके आना, उसके अंदर वाटर होना चाहिए, बजा के चेक कर सकते हैं, और बस ये सेम प्रोसेस में आपको आपका कोकोनट मिल जाएगा। चलिए इसको आप छील देते हैं और अंदर से देखते हैं इसकी रूट कैसे नज़र आती है। फिलहाल यहाँ पर अभी ज़्यादा कुछ हमें नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर दोस्तों मैं रिस्क ले रहा हूँ आपके लिए, अगर आपका कोकोनट ग्रो हो जाता है तो आपको ये सेम प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इसको सॉइल में लगा दीजिए और बस वेट करिए इसके लीव्स के आने का। बट यहाँ पर हम आपको शो कर रहे हैं रूट्स, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपना लाइक टारगेट पूरा करेंगे, वो है 5000 लाइक। हमारा कोकोनट छीलने के बाद कुछ ऐसा नज़र आता है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं रूट एक पॉइंट में से निकली है। अगर आप नारियल खरीदते हैं और अगर उन तीनों पॉइंट में से पॉइंट कुछ डैमेज है और उसमें से पानी निकल चुका है तो वो कभी ग्रो नहीं होगा। तो एक ये आपको और कंसिडर करना है। और बस अब हमारा नारियल रेडी है, इसको आप ग्रो कर देते हैं सॉइल मिक्स के अंदर। और वैसे ये लग काफ़ी खूबसूरत रहा है, और काफ़ी यूनिक तरीका होता है दोस्तों कोकोनट ग्रो करने का। कोकोनट का सॉयल मिक्स बहुत ही लूज़ होना चाहिए और ऑर्गेनिक होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एक 60-40% आप सॉयल और सैंड का मिक्सचर ले सकते हैं, और उसमें थोड़ी सी आप कंपोस्ट डाल दीजिए। और बस स्टार्टिंग में हम एक छोटा पॉट में ही कोकोनट को ग्रो करेंगे और देखेंगे इन फ्यूचर इसको हम ज़मीन में कहाँ लगा सकते हैं। और हाँ, इसकी कोकोनट बॉन्साई भी बनाई जा सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, और लाइक टारगेट पूरा होते ही मैं कोकोनट बॉन्साई के ऊपर भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। अब कोकोनट ग्रो करने का सही तरीका आप देख लें, इसकी रूट नीचे की तरफ ग्रो हो रही है तो इसको उसी एंगल में लगाना है, और जो लीफ नोड जो निकल चुका है वो ऊपर की तरफ ग्रो हो रहा है तो उसको ऊपर की तरफ ही रखना है। और हाँ, मिट्टी से कम 1/2 इंच ऊपर रहेगा हमारा लीफ नोड, ताकि वहाँ पर फंगस प्रॉब्लम ना हो।
कोकोनट प्लांट को पानी बहुत पसंद होता है, तो यहाँ पर मॉइस्चर हमेशा मेंटेन रहना चाहिए सॉइल के अंदर, इससे प्लांट हेल्दी रहेगा और कंटिन्यू ग्रो होता रहेगा। फाइनली रिजल्ट टाइम, और यहाँ पर आप रिजल्ट देख सकते हैं, हमारा कोकोनट प्लांट काफ़ी बड़ा हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी है और इसके अंदर न्यू लीफ भी आ रही है। अब दोस्तों हम इसको या तो डोनेट कर देंगे या फिर बाहर की तरफ ग्राउंड में इसको लगा देंगे। होप कि दोस्तों वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो प्लीज़ अपना काम कर देना, मैंने अपना काम किया है और काफ़ी लंबा अपडेट के साथ इस वीडियो को अपलोड करा है, तो डेफिनेटली आप हमारा संघर्ष समझ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।